हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आया हूँ। क्या? हाउ टू गेट 90% मार्क्स इन मैथमेटिक्स फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। कि भाई 10th क्लास के स्टूडेंट्स 95% या 90% मार्क्स किस तरीके से गेन कर सकते हैं इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये बच्चे, मतलब ये जो वीडियो है, ये CBSE बोर्ड वाले बच्चे भी देख सकते हैं, यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अब यूपी बोर्ड में भी NCERT सिलेबस लगा दिया गया है। ठीक है, और CBSE बोर्ड में भी NCERT सिलेबस, वो तो पहले से चल रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से हम 90% मार्क्स गेन कर सकते हैं 10th क्लास में, ये हमारा आज कंटेंट है। ठीक है, तो वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, सब्सक्राइब करना तो चैनल को बिल्कुल ही ना भूले। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, अगर बात आ रही है हमारी 10th क्लास मैथमेटिक्स की, तो ये मेरी कुछ पर्सनली टिप्स भी हैं एक टीचर होने के नाते, जो मैं आपको देना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, तो भाई ये मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहता हूं इससे जुड़ी हुई। क्या है भाई, एज ए स्टूडेंट मेरे भी 10th क्लास में 98 मार्क्स आए थे इन यूपी बोर्ड में मेरे 98 मार्क्स थे मैथमेटिक्स में। तो कुछ पर्सनल टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा एग्जामिनेशन से पहले, जो आपको शायद बहुत अच्छी लग सकती हैं और आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं एग्जामिनेशन में ज्यादा नंबर गेन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो भाई हम पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है ये आप अपने मन से सोचकर देखिए कि भाई हम एग्जामिनेशन में एक एग्जाम देना चाह रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्या हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो आप अपने मन से सोचकर देखिए। ठीक है, तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस, कि आप अपनी स्टडी पर फोकस कितना करते हो। भाई मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप 22 घंटे पढ़िए, आप 12 घंटे पढ़िए, आप 6 घंटे पढ़िए, मैं आपसे नॉर्मली ये बोल रहा हूं कि आप किसी भी चीज को पढ़ें तो बिल्कुल फोकस से पढ़ें, माइंड आपका उसमें होना चाहिए, ये ना कि आपका माइंड कहीं हो रहा है कि आप स्टडी करे जा रहे हो सिर्फ दिखाने के लिए या क्वेश्चन कर रहे हो। सबसे पहले हमें अपना कंप्लीट करना होता है। देखिए, आप 3-4 स्टेप में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे हम अपनी 10th क्लास मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही देखें, रियल नंबर वाला। ठीक है, तो उसमें आप रियल नंबर का आपको मतलब पता होना चाहिए और उसके सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और सारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, एक एक फॉर्मूला होगा। ठीक है, या जो भी हम यूज करते हैं बेसिक कंसेप्ट, वो सारी चीज क्लियर होती है। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट क्या है, बेसिक। सबसे पहले अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ना कि 10th क्लास के लिए, सबसे पहले किसी भी टॉपिक का आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए और बेसिक फॉर्मूले वगैरह। ठीक है, तो बेसिक सबसे ज्यादा बड़ी चीज है जो आप बेसिक क्लियर करोगे। सेकेंड है आपका कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ये आपकी, देखिए ये आपकी पर्सनल टिप्स आपको मैं कैसे दूंगा, भाई आप कहीं भी आपने कोचिंग लगा रखा है या आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो टीचर जो क्वेश्चन करा रहे हैं आप उसके करने का तरीका देखिए, क्योंकि आप 10th क्लास तक भी आप सीख रहे होते हो, ना कि आपको वहां पर अपनी इंटेलिजेंसी दिखानी होती कि एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये क्या है मेरा वीडियो का टाइटल, हाउ टू गेट 90% मार्क्स इन 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। यूपी एंड CBSE, ओके, हाउ टू गेट 90% मार्क्स इन 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। तो देखिए, बेसिक वाली बात, कैलकुलेशन वाली बात, अगर आपको कोई टीचर क्वेश्चन कर रहा है तो आपको वहां उस पर फोकस करना है किस तरीके से वो कैलकुलेशन कर रहा है।
ठीक है, आप उसकी एक चीज नोट कीजिए कि भाई इस क्वेश्चन में इस तरीके से कैलकुलेशन होनी है तो मैं इस तरीके से ही करनी है, भाई आप वहां पर अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाओ तो वो तो नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। और तीसरा देखिए क्या है मेन पॉइंट, बेसिक हो गया, कैलकुलेशन हो गया, और थर्ड हो गया आपका फॉर्मूले वाला पोर्शन। फॉर्मूले भाई आपको सारे चैप्टर्स, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं टेंथ क्लास की बुक में, आपको सभी चैप्टर के फॉर्मूले पता होने चाहिए और उन्हें लगाना आना चाहिए कि हम किस तरीके से, भाई आपसे डिस्टेंस फॉर्मूला पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो वहां आप लगा रहे हो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला या आप मिड पॉइंट निकाल के दिखा रहे हो, वो सही थोड़ी ना है। भाई अगर आपसे डिस्टेंस फॉर्मूला पूछे तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताना है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर द रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आपको वो सारी चीज आ रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। आपको फॉर्मूला वाला पोर्शन भी आपका अपना मजबूत रखना होगा, आपके सभी चैप्टर के आपको फॉर्मूले वगैरह लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको तीन चीज बताई है, अभी तीसरी के बाद अभी कुछ और हैं जो आपको याद रखनी है टिप्स, जो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आप किसी को फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप डिवाइड कीजिए टाइम को। देखिए सबसे ज्यादा मेरा फोर्थ पॉइंट भी तीसरे पॉइंट में मैं क्लियर करूंगा, क्या कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। भाई देखिए क्या मेरा चौथा पॉइंट है उसी में तीसरा कन्वर्ट करूंगा। अब देखिए फॉर्मूले वगैरह किस तरीके से आपको लर्न करने हैं वो भी मैं आपको बता दूं। फोर्थ पॉइंट मेरा ये था कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। अब देखिए सबसे पहली बात, भाई आप 10 क्वेश्चन, आप आरडी शर्मा की बुक उठाइए, आरडी शर्मा क्या बुक है जो हमारी 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड में लगी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब नंबर लाने के लिए और सीखने के लिए आरडी शर्मा की बुक लगी होती है। नहीं तो एनसीईआरटी वाली में क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम होती है, जो आरडी शर्मा होते हैं उसमें क्वेश्चन एक ही टाइप के मतलब एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और जो मैथ्स का मतलब शौकीन है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बुक है, आप उसे पढ़िए आरडी शर्मा वाली बुक, उसे मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, मतलब प्रोवाइड करा रहा हूँ आप सभी के लिए कि उसे पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ के देखना, ठीक है। तो भाई अगर डिस्टेंस फॉर्मूला पर ही, अब छोटी सी बात लेता हूँ मैं डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर डिस्टेंस फॉर्मूले पर ही आप 10 क्वेश्चन कम से कम कर लो तो आपको ये फॉर्मूला ऐसा दिमाग में फिट हो जाएगा कि आप एग्जामिनेशन तक तो बिल्कुल ही नहीं भूलोगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, एग्जामिनेशन तक तो बिल्कुल ही नहीं भूलोगे भाई आप, अगर आपने 10 क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन करके देखिए, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो 10 क्वेश्चन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप 10वां क्वेश्चन कर लोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको रट जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये था हमारा तीसरा चौथा पॉइंट, इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे तो आपको फॉर्मूले वाला पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और पर्सनल टिप्स क्या है कि आप आरडी शर्मा तो कीजिए, सबसे पहले बेसिकली जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं और जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, भाई आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पहले कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये आपको भी पता होगा कि आपका जो पेपर आता है वो 70% पेपर तो एनसीईआरटी की बुक्स में से ही आता है, और जो 30% पेपर आता है वो आपका थोड़ा हार्ड होता है। ये मतलब पेपर परसेंटेज में बताता हूँ आपको, भाई हमारा 60% पेपर ऐसा आता है कि नॉर्मल स्टूडेंट भी पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे और अच्छे नंबर 60% मार्क्स ला सकते हैं अगर किसी ने बेसिक नॉर्मल भी पढ़ा है। अब भाई देखिए किसी ने पूरी साल अगर बुक उठा के देखी तो उसको तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आप इस तरीके से डिवाइड कीजिए, भाई आज आप कितना पढ़े 0%, कल कितना पढ़े 0%, परसों कितना पढ़े 0%, 30 दिन बाद कितना पढ़े 0%, 365 दिन बाद कितना पढ़े 0%, तो सभी को ऐड करते जाइए, क्या आएगा निकल के 0%। तो भाई वो तो 0%, अब कहीं उसके वो कुछ ना कुछ चीटिंग वगैरह करके 1-2% नंबर ले आता है तो देखिए उसका तो कोई वो है नहीं, ठीक है। अगर बेसिकली किसी ने थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस करी है, बेसिक सीखा है, तो उसके 60% मार्क्स तो आया था, कितना तो नॉर्मली पेपर होता है, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बता दूं। फिर जो अगला 20% होता है वो थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के लिए होता है, जो थोड़ा हल्का सा उसे टफ बना देते हैं, कि क्वेश्चन टफ कुछ नहीं होते, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं उन्हें थोड़ा सा आगे पीछे कर देते, घुमा देते हैं या डिजिट वगैरह बदल देते हैं, ठीक है। ये आपको कितना बैठ गया 80%, तो 80% जो मार्क्स लाने वो तो देखिए
भाई ऐसा है, अगर कोई नॉर्मली ठीक ठाक बच्चा पढ़ रहा है और लगभग अपनी सारी चीज क्लियर करके चल रहा है, तो 80% में तो कोई प्रॉब्लम आने वाली बिल्कुल भी है नहीं। जो लास्ट के 20% होते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, भाई मेरे अकॉर्डिंग जो लास्ट के 20% मार्क्स होते हैं, उसमें बच्चे को थोड़ा अपना माइंड लगाना पड़ता है। भाई ये 80% के लिए अगर आपको जाना है, या 80 या 85 या 90% तक भी जाना है, तो बेसिकली आप अनसोल्ड वगैरह उठाइए। अगर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो यू लाइक का अनसोल्ड, मतलब एक सोल्ड जो सैंपल पेपर्स वगैरह आते, तो यू लाइक वगैरह अरिहंत वगैरह के सैंपल पेपर बेस्ट हैं, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो उसका तो अनसोल्ड पेपर उठा लीजिए, ठीक है। या फिर विद्या के अगर सोल्ड एग्जाम सैंपल पेपर लेना चाहते हैं तो विद्या के ले लीजिए यूपी बोर्ड वाले, ठीक है। या अरिहंत के भी ले सकते हैं, ठीक है। और अनसोल्ड लेना है तो वो भी अरिहंत का ही बेस्ट है, तो मैं बता दूं, तो उससे आपके 80-85% मार्क्स बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगे। बट जो 20 या आप कह दीजिए 10%, काफी वर्ड मैं 10 लेकर चल रहा हूं, जो 10% पेपर होता है वो होता है आपकी मेंटलिटी का, कि आपने 10th में कितना सीखा। भाई ये तो आप उनकी एक तरीके से उनकी हेल्प से सर्च ही ले लो, 10% आपको अपने माइंड का, कि आपके सामने कुछ नया है, आपको वहां अपना प्रदर्शन करके दिखाना है। भाई 90% मार्क्स तो आपके यहीं हो गए, पर आपको नेम एंड लिखा, वीडियो का टाइटल ये हाउ टू गेट 90% मार्क्स इन 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड, तो ये तो जरूरी नहीं है कि 90%। भाई मैथ्स में तो 100 out of 100 मार्क्स भी आते हैं, 100 out of 100। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, जब मैंने 10th क्लास के पेपर दिए थे तो हमारा 10th क्लास में चैप्टर आता हाइट एंड डिस्टेंस, जो यूपी बोर्ड में हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से था उस टाइम पर, ठीक है। और अब तो शायद ये है टिक्नोमेट्रीज के नाम से है, मतलब इंट्रोडक्शन टिक्नोमेट्री के बाद वाला चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस से ही रिलेट करता है वो। तो उससे क्वेश्चन था प्रूविंग वाला क्वेश्चन था, तो मेरे को ये पता था कि मेरे 2 मार्क्स इसमें कटने वाले हैं, कि मेरे 2 मार्क्स इसमें कटेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने उसका डायग्राम बिल्कुल समझा था, क्योंकि डायग्राम के 2 नंबर होते हैं और जो आपने प्रूविंग करा है, प्रूफ करा है क्वेश्चन का, उसके 2 नंबर होते हैं। तो मैंने डायग्राम बिल्कुल सही बनाया था, प्रूविंग में मेरे से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए मेरे 2 नंबर वहां कट गए, तो मेरे 98 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। अगर देखिए ऐसा है, काफी स्टूडेंट्स है वगैरह को यकीन नहीं हो रहा होगा, तो आप रोल नंबर्स चेक कर सकते। मेरा रोल नंबर था 055-38-94, ये मेरा रोल नंबर है, इससे आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। 055-38-94, 98% मार्क्स थे। तो ये पर्सनल टिप्स है, ये मैं बता रहा हूँ आपको क्या। देखिए मैंने जो पेपर किया था, सबसे पहली बात हमें 3.75 घंटे मिलते हैं, मैंने जो पेपर कर दिया था 1.5 घंटे में कर दिया था। बट आपको 1.5 घंटे में नहीं करना, आपको एक चीज देखनी है, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई थी, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो मैं आपको बता दूं, बेसिक सब चीज आपने सीख लिया। काफी बार ऐसा होता है, देखिए क्या कि हमने सीख बहुत कुछ लिया, हमने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर ली, चीजें हम पे आ गई, सभी चैप्टरों के में अच्छी नॉलेज हो गई, बट वो हम नंबरों में तब्दील नहीं कर पाते, नंबरों में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो मैं आपको वो ही बता रहा हूं कि भाई नंबर में आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पोर्शन है, एक भी क्वेश्चन आपको सॉर्ट नहीं करना बिल्कुल भी। भाई अगर मान लीजिए छोटी सी बात, अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाए, क्या एक्स प्लस 7 एक्स इज इक्वल्स टू 24, ये तो आप डायरेक्टली ये मत कीजिए एक्स इज इक्वल्स टू 3, ये मत कीजिए। इसे आप बिल्कुल एक एक स्टेप लेकर कि x और 7x 8x इज इक्वल्स टू 24, x इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 8, तो इससे 3 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए कहीं तो आप कर रहे हो एक स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व, कहीं आप कर रहे हो 3 स्टेप में, तो भाई उसका तो इंप्रेशन पड़ना है। और देखिए सबसे पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, क्या फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि अगर आपकी टीचर, भाई टीचर हो आप, नॉर्मली अपने आप को लेकर देखिए, भाई अगर आप एक टीचर हो, अगर आप किसी कॉपी को चेक करो, क्योंकि उनके पास कॉपी का बर्डन भी बहुत ज़्यादा होता है, भाई उन्हें कॉपी चेक करनी होती है, तो अगर आपने स्टार्टिंग में ही थोड़ा नॉर्मली काटा पीटी कर रखी है, या आपने क्वेश्चन एक तरीके से नहीं कर रखे, तो भाई किसी को भी खुन्नस आ जाएगी बिल्कुल। ये बात तो आपको माननी होगी, अगर आप भी हैं, क्योंकि भाई आपको इतनी कॉपी, आप एक पर्पस लेकर चल रहे हो कि आपको आज 200 कॉपी चेक करनी है, आपको 100 कॉपी चेक करनी है, तो इस तरीके से। तो अगर आपने एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में उसे दिखाई है, जो जो उसमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है,
ठीक है, डायग्राम अगर आपके मल्टीपल वाले आ गए, पहले यूपी बोर्ड में मल्टीपल वाले स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन होते थे, मैंने वो भी देखिए बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ किए थे, उसमें 4 में से 1 पर मार्क लगाना होता है, ऐसा नहीं मैंने पहले सोल्व किया फिर लास्ट में मार्क लगाया, तो मेरा वही फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मेरा इंप्रेशन स्टार्टिंग में अच्छा पड़ गया टीचर पर, तो उसका सिर्फ राइट राइट चलता है पेन, ये भी आपको बता दूं। और राइटिंग भी देखिए, राइटिंग कुछ भी कह दो कि ये बोलते हैं मैथ्स में राइटिंग का कोई रोल नहीं होता, बट देखिए थोड़ा 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 तो होता है, कहीं ना कहीं 5% आपको देने होंगे राइटिंग को भी, कि भाई देखिए आप 2 बना रखा है उसे भी कोई 8 समझने लगे, तो आपको राइटिंग पे भी थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये बोलते हैं मैथ्स वाले स्टूडेंट की राइटिंग अच्छी नहीं होती, तो राइटिंग भी मे भी आप थोड़ा सुधार कर लो, क्योंकि अगर आप 90% मार्क्स के लिए आ रहे हो तो आपको हर चीज पर थोड़ा थोड़ा फोकस तो करना होगा। अब जो मेनली था उन्हें मैंने डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको 90% मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ये सारी मेरी पर्सनल टिप्स थी, और अगर कुछ और मुझे नया मिलता है तो वो भी आपको मैं वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, कमेंट करके। या आपको कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, फेसबुक पेज से जुड़िए, मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से बनाया हुआ है, फेसबुक ग्रुप से जुड़िए, वो भी मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से बनाया हुआ है, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, ठीक है। अदर्स वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। वीडियो बताना कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूले, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक अच्छे से टॉपिक के साथ। Okay.